नमस्कार दोस्तों, ऑनो टेक वेब का स्वागत है। आज के दिन हम बात करने और रियलमी 8 एट आई और रियलमी एक्स 7 के बारे में। इस तीनों डिवाइस के अंदर फाइनली जो नवंबर दिसंबर का अपडेट है वो रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया। तो आज की वीडियो में बताऊंगा क्या फीचर के साथ आया, क्या बग्स फिक्स हुआ, ये वीडियो आपको बताऊंगा। साथ में ऑल यूजर कब तक देखने को मिल जाएगा ये भी बताने वाला। तो गाइस पूरे वीडियो में बने रहना और गाइस वीडियो शुरू होने पर अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे हो, दिसंबर 2020 अपडेट फॉर रियलमी एक्स 7, मतलब कि रियलमी एक्स 7 के लिए फाइनली जो दिसंबर महीने का अपडेट था वो रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया। RMX 3092 ये रियलमी एक्स 7 का मॉडल नंबर है। C.08 के नाम से अपडेट आया, मतलब वर्जन की बात करें तो C.08 का वर्जन देखने को मिल जाता है। प्राइस आपको मालूम आ गया था मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फीचर में आपको 5 नवंबर और दिसंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, मतलब कि 5 दिसंबर का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। साथ में सिस्टम में जितने भी आपको इशू देखने को मिल रहे, जैसे कि आप पे देख रहे हो आपको काफ़ी ज़्यादा जो फिंगरप्रिंट में इशू देखने को मिल रहा था, जब स्क्रीन ऑफ रहता था आइकॉन में कुछ इशू देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे कभी कभी आपका फिंगर में वर्क नहीं करता तो यहाँ पे उसको भी फिक्स कर दिया गया, वाइब्रेट नहीं करता था, तो जो काफ़ी सारे जो इशू देखने को मिल रहे थे फिंगरप्रिंट में उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। और रिसेंट टास्क में भी कुछ इशू देखने को मिल रहा था वहाँ पे उसको भी फिक्स कर दिया गया। ऑलवेज एंड डिस्प्ले में भी कुछ इशू देखने को मिल रहा था, स्क्रीन इशू, उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। मतलब काफ़ी सारे जो बग्स देखने को मिल रहे थे ये अपडेट में, मतलब पहले वाले अपडेट में, उसको ये अपडेट में फिक्स कर दिया गया। साथ में लॉक स्क्रीन में भी कुछ इशू देखने को मिल रहा था उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, मतलब कि आपको सिर्फ बग फिक्स अपडेट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं रियलमी 8 के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो RMX 3085 रियलमी 8 का मॉडल नंबर है। C8.22 के नाम से अपडेट आया, मतलब वर्जन की बात करें तो 8.22 का वर्जन देखने को मिल जाएगा। साइज की बात करें 255 MB का आपको साइज देखने को मिल जाएगा। बिल्ड डेट की बात करें 24/11/2021 ये रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे फीचर में जाएंगे तो फीचर में आपको 5 नवंबर 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। साथ में हैंड्स फॉर रियलमी, ये आपको मालूम होगा क्या है, इसमें आपको लॉक स्क्रीन पे सब ऐड दिखेंगे, मतलब कि लाइक जैसे कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, गेमिंग, शॉपिंग, ऐसे लॉक स्क्रीन पे आपको ऐड दिखेगा, वहाँ से आप सब कर सकते हो। मतलब वहाँ से आप कोई भी पोस्ट डाला होगा तो वहाँ से आप देख सकते हो क्या लेटेस्ट आया है, क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या नहीं, सब वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी सारे डिवाइस में आ गया और काफ़ी सारे डिवाइस में आना अभी बाकी है। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे ऑन करने का, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख लो, पॉज करके आप देख सकते हो। और यहाँ पे लास्ट में सिस्टम में फिक्स अननोन इशू एंड ऑप्टोमाइज सिस्टम एबिलिटी, मतलब सिस्टम में जितने भी बग्स देखने को मिले थे यहाँ पे उसको फिक्स कर दिया गया। अब जैसे कि देख रहे हो नवंबर 2021 अपडेट फॉर रियलमी 8i, मतलब रियलमी 8i के लिए भी फाइनली जो नवंबर महीने का अपडेट था वो रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया। RMX 3151 रियलमी 8i का मॉडल नंबर 8.32 के नाम से अपडेट आया, मतलब वर्जन की बात करें तो 8.32 का वर्जन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका साइज मालूम होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ में फीचर में आपको 5 नवंबर 2021 का लेटेस्ट बड़ी पैच देखने को मिलेगा। साथ में सिस्टम में जितने भी छोटे मोटे बग्स देखने को मिल रहे थे यहाँ पे उसको फिक्स कर दिया, जिसके देखो फिक्स नॉन इशू एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, मतलब जितने भी सिस्टम छोटे मोटे बग्स देखने को मिल रहे थे यहाँ पे उसको फिक्स कर दिया गया। तो ये अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट हुआ रियलमी X7, रियलमी 8 और रियलमी 8i, तो तीनों डिवाइस के लिए अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया। तो जाके देखो आपके डिवाइस में अपडेट आया कि नहीं आएगा तो वेट करो, 1 से 2 वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस छोटा सा वीडियो, तो गाइस इतना था वीडियो में, और कुछ अपडेट आएगा तो वीडियो बना के दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और गाइस लाइक एंड कमेंट कर देना। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।